देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए, ये एक चीन की सोची समझी चाल है। भारत की जो आर्थिक जीडीपी ग्रोथ है उससे उसको थोड़ी चिंता हो रही है। इसी प्रकार से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक रिलेशनशिप बनाना, संबंध बनाना, रशिया के साथ संबंध बनाना, अमेरिका के साथ संबंध बनाना, वो शायद उसको गवारा नहीं आ रहा है, और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाए। इसके साथ साथ जैसे GST का पास होना और भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में इंट्रोड्यूस किए जनता को ठीक करने के लिए, GDP ग्रोथ के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया गया है वो एक ऐसा काम है जो कि लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद चीन को गवारा नहीं है। इसके साथ साथ चीन ये कोशिश कर कि ये शायद नेचर में है जी। अगर हम 1962 की बात जो उन्होंने कही उस समय की बात देखें, उससे पहले ही वो चीन चाउइन लाई हिंदुस्तान आए, उन्होंने भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी बह गए और हमने कोई इस तरीके की कोई कोशिश नहीं की ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम पीछे चले 50 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रांट दी जी। उस ग्रांट को प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि चीन तक सड़क बनाई जाए, लेकिन प्रताप सिंह कैरो उस समय चीफ मिनिस्टर से पंजाब के, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं भाखड़ा नंगल डैम बनाया जाए, और दोनों में काफ़ी टसल हुई और प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन तक सड़क बनाई जाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन समहाउ पंजाब, उन्होंने कैरो ने तो ये भी कह दिया था कि फिर हम अलग होने के लिए बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री शायद झुक गए रिकन्सिलेशन के लिए और भाखड़ा नंगल डैम के लिए वो पैसा दे दिया गया जी। 1962 में हमारे फोर्सेस के लिए जो सड़क, एक सड़क बनी हुई थी, उस सड़क के ऊपर बर्फ थी और उस समय हमारे फोर्सेस का जाना वहाँ मुश्किल था, इतने ज़्यादा फोर्सेस वहाँ नहीं थे जो लड़ सकते, एक बात तो ये है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि हम तैयार अब नहीं हुए हैं, हम तैयार हैं। 1962 के बाद 1965 में जो हमने किया, हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास वो सब टैंक वैंक नहीं थे जो पाकिस्तान के पास थे, लेकिन फिर भी हमारे जो शूरवार सोल्जर्स थे उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अब्दुल हमीद, उन्होंने अकेले बिना किसी इक्विपमेंट्स के कितने सारे टैंकों, एक टैंक को बिल्कुल पैटर्न टैंक को उड़ा दिया, और पैटर्न टैंक को उड़ाते ही अमेरिका की भी कच्ची हुई, पाकिस्तान की भी कच्ची हुई, और अयूब खान कहते थे कि मैं तो दिल्ली आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, वो तो वहां से 4 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि हम लोग लाहौर तक 1971 में हमने दिखा दिया, एक सेकंड, 1971 में हमने दिखा दिया कि हम लोग 95,000 सोल्जर्स को घुटने टिका सकते हैं और उनको 1-1.5 साल तो तक, और अब तो हालात और बदल गए हैं, अब तो रख सकते हैं हम लोग, हाँ, बदल गए हैं, क्योंकि एक बार हमने धोखा खा लिया 1962 में, अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं चलेगा, अब हिंदी चीनी भाई भाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा।